लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक बना चुके हैं, आज इससे आगे बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हम क्या देखते हैं, क्या बनाना है, ठीक है। लास्ट में हम इसके अंदर जो है ये टेबल बनाने वाले हैं, टेबल के साथ साथ ये साइड टेबल बनाएंगे और उसके साथ साथ ये रैक बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं ये टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट व्यू में मैं आ गया हूँ यहाँ पे सिंपली, और F3 मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो आइडिया लग जाएगा ताकि कि हमें सोफ़े का और टेबल का मतलब गैप कितना रखना है यहाँ से। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम यहाँ से लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद मैं यहाँ से सिंपल सा है वन क्लिक किया है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, वन मोर क्लिक, वन मोर, ठीक है। एंड राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया हूँ इसकी कमांड से। मैं अब यहाँ मॉडिफिकेशन टूल बार में गया हूँ यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, वर्टेक्स वाले को, और इसकी सीध में कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। डब्लू प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये देखिए बराबर हो गया साइज इसका। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल रेंडरिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, दोनों को ओके करूँगा, प्लस मुझे रेक्टेंगल शेप चाहिए तो मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा। F3 प्रेस कर रहा हूँ मैं ताकि हमें दिखे कि हमने बनाया क्या है ये, ठीक है। और इसकी हमें चौड़ाई और चाहिए तो इसको यहाँ से हम चौड़ाई बढ़ा देंगे यहाँ से, ठीक है। आई थिंक इतनी बहुत रहेगी। अब मैं इसकी सही लोकेशन पे टॉप व्यू पे टी प्रेस कर रहा हूँ, टॉप व्यू पे जाके इसकी सही लोकेशन में दे रहा हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने गलत, अभी यहाँ पे ये वर्टेक्स सेलेक्टेड है, हटा दिया, हट गया है। अब यहाँ पे इसे सही लोकेशन पे रख दिया मैंने, साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है ये इसका, ठीक है। देन अब क्या कर रहे हैं हम इस पर, हमें बनाना है इसके ऊपर एक, ये तो वुडन का हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर हमें जो बनाना है एक ग्लास बनाना है। ग्लास के लिए मैं सिंपल क्या लूँगा, यहाँ से एक बॉक्स लूँगा, टॉप व्यू से ही देखेंगे टी प्रेस किया मैंने, और एक ग्लास लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये मैंने यहाँ से बॉक्स बना लिया, हल्का सा एक्स्ट्रा रखेंगे इससे, ये इसकी जो मोटाई है ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी, इसको कम करेंगे यहाँ से मॉडिफिकेशन टूल बार में जाके, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी मोटाई कम करी और लेफ़्ट व्यू में जाके F3 प्रेस कराया मैंने ये, और इसे सही लोकेशन पे मतलब हाइट दे देंगे यहाँ से, ठीक है। ये मैंने इसकी हाइट इसे दे दी है। अब दोबारा टॉप व्यू में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसे हल्का सा आगे करेंगे, देन हल्का सा इसे यहाँ पे किया, और ये बिल्कुल अब सही जगह पे सेट हो गया है। F3 मैंने प्रेस किया दोबारा, अब आप देखेंगे ये हमारा एक टेबल बन चुका है, ठीक है, ये हमारा एक टेबल बन चुका है। अब इसके बाद मैं साइड टेबल बनाना है, ये वाला जो टेबल है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और F3 प्रेस किया है मैंने, वो भी लाइन टूल बार से बनेगा। मैंने यहाँ लाइन स्प्लाइन के अंदर जाके यहाँ से मैंने लाइन लिया है, देन उसके बाद सिंपल से एक क्लिक किया है मैंने यहाँ से, शिफ्ट के साथ मैंने करेंगे दूसरा क्लिक किया है, तीसरा क्लिक किया है, देन फोर्थ क्लिक किया है, ठीक है। ये हमारा टेबल बन चुका है, F3 प्रेस करके देखेंगे तो ये हमारा एक टेबल बन चुका है। लेकिन मेरे को इसकी हाइट वगैरह थोड़ी कम ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ मॉडिफिकेशन टूल बार में जाएंगे, ठीक है, और वर्टेक्स के अंदर जाएंगे, टॉप व्यू में जा रहा हूँ मैं अभी, इसका टी प्रेस कर दिया मैंने, देन उसके बाद सिंपली इसका हल्का सा यहाँ से कम किया है, और दूसरी ये हटा के यहाँ से, ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है ऐसे ज़्यादा हो रखी है तो इसकी चौड़ाई कम कर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ये मैंने कम कर दिया है, देन ये बिल्कुल अब परफेक्ट है, ठीक है। आप देखेंगे ये हमारा कॉर्नर टेबल बन चुका है, ठीक है, ये टेबल बन चुका है, ये ग्लास बन चुका है, एंड ये कॉर्नर टेबल बन चुका है। अगर आपको लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। तो एक चीज़ अब रह गई है हमारी, इस वीडियो में हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये पेम्पलेट रखने के लिए होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसे बनाते हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं फ्रंट व्यू में गया हूँ, ठीक है, इसे भी लाइन टूल बार से ही बनाएंगे, लाइन जो होगी हमारी स्प्लाइन के अंदर होगी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिया इसे, ठीक है। F3 मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ, हाइट जितनी रखनी है
उतनी रख लेंगे यहाँ से, शिफ्ट प्रेस नहीं करने की ज़रूरत है इसके अंदर। एक क्लिक किया मैंने यहाँ पे, दूसरा क्लिक किया यहाँ पे, तीसरा क्लिक करा मैंने यहाँ पे, देन फोर्थ क्लिक एंड स्ट्रेट, लास्ट वाला है स्ट्रेट करेंगे एंड देन राइट क्लिक, तो कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसा बना है ये। F3 मैंने प्रेस किया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बन गया है, लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या है कि बीच वाला जो है ग्लास का बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, पहले कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करेंगे हम। ठीक है, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन एक बार इससे ये बाहर, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल राइट क्लिक, देन कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पॉलीगन्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी पॉलीगन हैं जहाँ पे भी हमें ग्लास चाहिए वहाँ पे सारा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे, बैक साइड से भी इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, नीचे से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा इसे। ये मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये माउस का जो बीच वाला बटन होता है स्क्रॉल वाला, उसे प्रेस करके ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और ये जो घूम रहा है ये, ठीक है, ये कंट्रोल के साथ घूम रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये मैंने कर लिया है ऑल्ट के साथ, इस टाइप से जो घूम रहा है ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, प्लस माउस का बीच वाला बटन दबा के ये घुमा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें सिंपल सा यहाँ से इनसेट लेना है। ठीक है, इनसेट ले लेंगे, और इनसेट ग्रुप में नहीं लेना, हमें बाई पॉलीगन लेना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से रख लिया है मैंने। देन उसके बाद हम हल्का सा इसके अंदर दे देंगे इनसेट, तो हम दे चुके हैं, एक्सट्रूड करेंगे बट अंदर की तरफ। ठीक है, आप देखेंगे अभी तक ये भारी है अंदर की तरफ के लिए, बस इतना बहुत है ये, ओके कर देता हूँ। अब लेफ्ट व्यू में जाके देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, पहले मेरे को ये बाहर आना पड़ेगा इससे, तो इस पर क्लिक करा मैंने, बाहर आ गया हूँ मैं, तो अब इसे खाली मैं L प्रेस किया है। ठीक है, तो लेफ्ट व्यू में आ गया हूँ मैं, F3 प्रेस करा है, और इसे बिल्कुल सही लोकेशन पे इसे रख देंगे। ठीक है, F3 दोबारा प्रेस किया, ये देखिए बिल्कुल ये बोर्ड पे जो फर्श है हमारा उस पर आ चुका है। ठीक है, इसकी मुझे थोड़ी हाइट लंबा करना है इसे, तो यहाँ से सिंपल सा क्या करा मैंने, ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल मैंने अभी पकड़ा हुआ है, कंट्रोल के साथ साथ ये भी सिलेक्ट करके हल्का सा बाहर की तरफ कर दिया है। ठीक है, और कंट्रोल एस ज़रूर आप करते रहिए, क्योंकि बार बार ये क्या होता है, फाइल करप्ट हो जाती है, आपका 3D Max का जो सॉफ्टवेयर है बार बार बंद होता है, तो आप अपने आप बार बार कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, और इसके लोग इसको जो है डायरेक्शन थोड़ा सा सही करना है, तो यहाँ पे मैंने ई प्रेस करके हल्का सा इसे मूवमेंट दे दिया, W प्रेस करके सही लोकेशन पे इसे रख देंगे। ठीक है, और मैं इसे एक बेसिक कलर दे देता हूँ सबको, ओके कर दिया। ठीक है, अभी हमारा इतना बन चुका है ये। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन लास्ट में एंड करने से पहले फिर बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए,